2024 को लेकर के जहां इंडिया और एनडीए गठबंधन की रोजाना एक कहानी सुनने को मिलती है, जहां दोनों गठबंधनों ने पूरी मुस्तैदी के साथ 2024 की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, वहीं पे मोदी की योजनाओं को लेकर के जहां इंडिया गठबंधन के लोग कभी क्या कह देते हैं, और वहीं आपको मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन के सुप्रीमो राहुल गांधी आए दिन कहीं ना कहीं कुछ नया करते दिख रहे हैं। कभी कूली का ड्रेस पहने तो कभी कारपेंटर के ड्रेस में, मोदी के उन्हीं योजनाओं पे, जिन योजनाओं की बात के ये लोग कभी हंसी उड़ाते थे उनके कौशल योजना पर, उसी कौशल योजना के तहत आपको मैं बता दूं कि राहुल जैसे शख्सियत भी कारपेंटर बनने के शौकीन हो गए, और जो दिल्ली के कीर्ति नगर की एरिया के अंदर उन्होंने पहुँच करके कुछ सीखना चाहा और समझना चाहा। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे वरिष्ठ नेता है बिहार की धरती से, वैसे तो इनका पहचान अपने आप में बहुत ही है, ये माना जाए कि अपने पहचान के मोहताज नहीं कहे जाते हैं, तमाम हर गठबंधन संगठन से इनके संबंध जुड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में क्या मोदी के योजनाओं के भी दीवानी बनी इंडिया गठबंधन, क्या कुछ कहेंगे ये आज की हिस्ट्री को देख करके, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोग एनडीए के योजनाओं में भागीदारी लेते देखे जा रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है, मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं और बिहार से राजनीति में भी जुड़ा रहा हूं, और बहुत सारे राजनीतिक संगठनों में मेरा ये पहचान के रूप में है। मैं ये इंडिया गठबंधन की जो बात आपने कही है, ये बहुत अच्छी बात कही है कि ये योजनाओं में, जो मोदी जी के योजनाओं में राहुल जी कारपेंटर का काम कर रहे हैं, यह अब अनुभव दे रहे हैं 40 वर्ष के उम्र में, 50 वर्ष के उम्र में, कि हम इस तरह का भी काम करेंगे। तो हमारे देश में इतने दिन राज करने वाला परिवार आज इससे घुटने टेक रहा है, इसका मतलब यह होता है कि इसमें पार्टी नेतृत्व की क्षमता नहीं है। पार्टी नेतृत्व की क्षमता तो यदि इंडिया गठबंधन में है तो वो शरद पवार को है, जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, और इन्होंने कांग्रेस को तोड़ के कांग्रेस बनाया था, तो ये एक अपनी पहचान जरूर देश में बनाए हुए हैं। अब पार्टी की जहाँ तक सवाल है तो छवि बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बिहार में भी जो अभी कार्यक्रम हुआ था उसमें शरद पवार ही नेतृत्व करता थे, राहुल तो एक अपना फिरंगी जैसे गए थे, लेकिन इनकी पहचान नहीं है, ये अपना ब्रांड बने हुए हैं। तो ब्रांड को जनता पसंद करती तो ये हालत नहीं, मोदी ब्रांड बन के आगे बढ़ चुके हैं। उसके अलावे उनके विपक्ष में यदि कोई मजबूत दावेदारी कर सकता है तो वो शरद पवार ही कर सकते हैं, और उनके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व में कोई है नहीं। बाकी तो हर जगह के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी अपनी क्षेत्र में बंधे हुए हैं। इतने बड़े राजनीतिक देश में की कमी हो गई है, तब ना शरद पवार की ज़रूरत पड़ी। तो शरद पवार एक राजनेता के रूप में रहे हैं, और बाकी लोग की छवि पूरे भारत में ऐसा है। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से राहुल जी मोदी के कौशल योजनाओं का लाभ उठाने के और सीखने की जैसे काम में लगे हुए हैं, उसको लेके क्या कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के जब सभी दल राहुल को एक आगे मानते हैं, उसमें आपका कहना कुछ अलग से है कि एनसीपी के सुप्रीमो ही वो योग्यता रखते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन जिस तरीके से तैयारी कर रही है वो राहुल के ऊपर कर रही है, और राहुल ही मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की बात कर रहे हैं, समझने की बात कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी हैं और एडवोकेट भी हैं। बुद्धिजीवी होने के नाते मैं सब जगह मिलता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, तो लोग राहुल को जो युवा रूप का चेहरा पहले लोग मानता था, जिस युवा के रूप में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, अब युवा चेहरा कोई चमकने लायक है ही नहीं, ये जनता मान चुकी है। जनता मानती है कि जो अनुभवी आदमी है हम उसी को अपना नेता मानेंगे। इस रूप में हमने शरद पवार जी को मैंने आगे रख के विचार, लोगों के विचार से हम अपनी विचार कर रहे हैं, मेरी अपनी विचार नहीं है, जनता के विचार है, और जनता अनुभव वाले व्यक्ति को ही आज प्रधानमंत्री बनाए। मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहे, अपना काम किए, तब आज प्रधानमंत्री हैं। उसी तरह अनुभवी व्यक्ति जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छे संगठन को चलाएगा, देश को चलाएगा, उसी को अब जनता पसंद कर रही है। कोई युवा चेहरा वो सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है, उसके अलावा उनकी कहीं कोई पहचान देने के लिए तैयार नहीं है।